आजकल लोगों ने शिव महापुराण की कथा में से देख देख कर खुद की आईडी पर खूब सारे पशुपति व्रत बना बना के डाल दिए कि ऐसा करो वैसा करो, फिर उद्यापन भी ऐसा करो। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सुबेरे के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर करो, अभिषेक पूजन करो, सारा पूजन करने के बाद थाली वापिस लेकर आ जाओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ, शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके तीन हिस्से हो जाएं, छह दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष समय में कर कर प्रसाद जो बनाकर ले गए हो उसके तीन हिस्से कर लो। दो हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है, एक हिस्सा अपनी थाली में वापस लेकर आना, एक दिया लेकर आना, उसको वहां से जलाकर नहीं लाना। पांच दिए मंदिर में जला दीजिए, जब दीप पांच पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो पांचों दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर रही हूं, बाबा आप इसे स्वीकार करना। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर पांचों व्रत होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में एक कर लूंगी या वहां जाकर एक कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं ना, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में रह रही हूं तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला मकान में पहुंच गई तो एक व्रत वहां कर लूंगी, नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे हो। तो हाँ, तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को पांच दिए एक दिया जलाकर प्रज्वलित करना है आपको, कहां जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर बड़े प्रेम से उस दिए को समर्पित कर दें, बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें। बाबा को निवेदन कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलार कर लें, शाम के समय आप भोजन कर लें। भोजन कब करना